तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी कई जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार कर पूरी जोर लगा रही है कि उत्तर प्रदेश के चूंकि जो सीमस्त इलाके हैं और इसके अलावा अन्य जगहों पर पार्टी के प्रत्याशी उतार कर पूरी दम से एंट्री करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बिजावर एक ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने पिछले बार भी प्रत्याशी उतारा था, लेकिन बदकिस्मती से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और यहां से जो मध्य प्रदेश में दो सीटें थी वो दो सीटें समाजवादी पार्टी ने गंवा दी। अब एक बार फिर से 2023 का चुनाव है और 2023 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी आखिरकार कितना जोर मारती है। बिजावर चूंकि उनकी पुरानी सफलता की सीट रही है तो इस सफलता को दोहराने की कोशिश जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की होगी और इन्हीं तमाम मुद्दों को सोच समझ कर ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। मनोज यादव जी, पेप्टेक टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि डॉक्टर मनोज यादव क्या पैराशूट कैंडिडेट हैं बिजावर के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो आए हमारे पास। आपका जो पहला सवाल है, पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि बिजावर विधानसभा की यहाँ पर लगातार रह के सेवा करूँगा और पिछले एक वर्ष से मैं लगातार यहाँ पर जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को सुन रहा हूँ, मुद्दों को भी उठा रहा हूँ। आज आप एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी समस्याएँ बताऊँगा मैं आपको। जैसे जो यह बांध का विस्थापन का जो कार्य चल रहा है उसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला, उसकी आवाज़ भी उठाई है। सड़क को लेके यहाँ पे आज भी यहाँ बिजावर विधानसभा मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है जो पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है। आज यहाँ पे रोड नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बारिश के टाइम पे, आप देखेंगे तो। उसके लिए धरने आंदोलन भी हुए, आपने देखा होगा। पिछले टाइम विधायक का एक करीबी है, उसकी मारपीट भी हुई, जो बेचारे अपनी रोड की मांग कर रहे थे उन पर उल्टा केस भी दर्ज किए गए। तो यहाँ पर पूरा गुंडाराज हावी है। उसके बाद में दूसरी एक पार्टी है उससे भी एक बालू माफिया आ जाते हैं। लोगों ने तो बहुत सारे नारे भी लगाए उनके लिए कि जो झांसी का चोर और बिजावर की ओर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं वहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे एक शराब माफिया है। बिजावर विधानसभा का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं मिला जो जनता की सेवा के लिए बिजावर के विकास कर पाए। आज अगर आप देखेंगे तो बिजावर में 8 बजे के बाद रात्रि में अगर किसी को जाना पड़े छतरपुर झांसी या भोपाल के लिए जाना पड़े तो कोई साधन नहीं है आज की डेट में। ना बस की व्यवस्था है, ना यात्रा ट्रेन की व्यवस्था है। आज अगर किसी बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, इंजीनियरिंग कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे बिजावर विधानसभा में। बीए के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं, बीएससी भी करना चाहता है तो बिजावर से बाहर जाना पड़ता है। एक साल से बिजावर में के जो हॉस्पिटल है उसमें कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है डिलीवरी के लिए, या कोई भी महिला को परेशानी होती है तो बेचारी कहाँ जाएगी। शिशु मृत्यु दर देखेंगे तो बिजावर विधानसभा में सबसे अधिक है। तो बिजावर विधानसभा के मुद्दों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ तो मैंने जनता की सेवा में लगा हूँ और मैंने संकल्प भी लिया है मैं जीवन भर यहीं बिजावर में रह कर जनता की सेवा करूँगा। और ये भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है, लोगों ने बिजावर को डेवलप नहीं किया, खुद को डेवलप किया हुआ है। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि यहाँ से पलायन हो रहा है। अकेली बिजावर विधानसभा के 25,000 से 30,000 लोग दिल्ली में, बॉम्बे में या कहीं भी बाहर जाके होटलों से लेके कहीं भी अपना जीवन यापन के लिए मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ जॉब करना जाना पड़ रहा है। जबकि बिजावर विधानसभा प्रकृति का भंडार है, यहाँ पे उद्योग बहुत सारे लग सकते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, आए दिन लोगों की गाय भैंस चोरी होती रहती हैं, आए दिन चोरी होती हैं। यहाँ कोई गौशाला की व्यवस्था नहीं है, कोई भी पकड़ के ले जाता है, फिर बेचारे पशुपालक परेशान होते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं अगर देखेंगे तो यहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। सबसे बच्चों के लिए प्राथमिक जो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि यहाँ के लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज सकते। प्राथमिक शिक्षा का एक स्तर है वो इतना गिरा हुआ है यहाँ पे कि एक एक विद्यालय में एक शिक्षक है, बच्चे आ नहीं रहे, शिक्षा की क्वालिटी बहुत गिरी हुई है। तो मैं इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर बिजावर विधानसभा जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ। ये ठीक है, आपने मुद्दे गिनाए हैं। और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो चूंकि मध्य प्रदेश में दो लीडिंग पार्टी प्रमुख तौर पर हैं, समाजवादी पार्टी कोशिश में है कि मध्य प्रदेश में अपना एक पहचान बनाई जाए, ऐसी स्थिति में जो लीडिंग विधायक हैं उन्हीं की पार्टी की सरकार थी और अगर उसके बावजूद अगर इतना नहीं हो पाया
तो फिर समाजवादी पार्टी जिसकी फिलहाल ये तो है नहीं कि सरकार बन जाएगी, मान लीजिए कि आप विधायक बन भी गए, तो आखिरकार इन तमाम मुद्दों को कैसे सुलझाएं, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी के रहेंगे, आपकी बात कौन सुनेगा? बिल्कुल, अगर सदन में आप अगर जाते हैं तो सदन में जाने के बाद आप मुद्दा उठाते हैं तो जरूर सुनवाई होती है। यहाँ पे वर्तमान इसका मतलब क्या है कि विधायक ने आवाज नहीं उठाई? वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी का विकास था, विधायक था, अगर देखेंगे तो बिजावर का विकास जो हुआ है थोड़ा बहुत वो उसी के कार्यकाल में हुआ है, वो सपा के माध्यम से हुआ है, सपा के कार्यकाल में हुआ है। आप देखेंगे तो आप सिंगल रोड था जो डबल हुआ है, सपा के विधायक के द्वारा ही कराया गया है। तो बिजावर का जो विकास है समाजवादी पार्टी ही करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो विकास की सोच को लेके चलते हैं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे योगी जी की सरकार, पिछले कार्यकाल पूरा हो गया था, ये भी 1.5 साल लगभग होने जा रहा है, लेकिन आज तक जो उनके कार्य अधूरे पड़े थे वो पूरे नहीं कर पाए योगी जी, आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते रहते हैं। तो समाजवादी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो विकास पुरुष कहलाते हैं, तो जरूर विकास करेंगे हम लोग। और जो ये ऐसे ऐसे विकास छोटे छोटे चीज़ें हैं, क्या एक महिला डॉक्टर की व्यवस्था बिजावर में नहीं हो सकती क्या? इसमें कौन सा आपके बहुत बड़ी सरकार चाहिए आपको? पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, बिजावर में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। 1 साल से अगर लेडी डॉक्टर नहीं है तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, कोई बिजावर इतना छोटा भी स्थान नहीं है। अगर देखेंगे तो हमारा जटाशंकर जो धाम है वो विश्व में फेमस एक बहुत बड़ा धाम है, शंकर भगवान का धाम है, तो वो उसके लिए भी लोगों को श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज की डेट अगर वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो बिजावर बहुत पिछड़ी विधानसभाओं में आ रहा है, और मेरा संकल्प है कि मैं इसको पिछले जो अगला आने वाला 5 साल का कार्यकाल होगा, अगर जनता सेवा का मौका देगी मेरे को तो मैं जरूर चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा और आगे जीवन भर करूँगा मैं। आप खुद डॉक्टर हैं और आपने बात करी कि शिक्षक नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं है। आपके एक स्टार प्रचारक हैं नवरतन यादव, मैंने जब उनसे बात करी कि भाई इस उम्र में आपको पढ़ने लिखने जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, महीने भर प्रचार करेंगे, तो उनका ये कहना था कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो अंगूठा छाप है, मुख्यमंत्री भी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे स्टार प्रचारकों से फायदा होगा या घाटा होगा? देखो क्या है कि वो बच्चा है और उसके अंदर गॉड गिफ्ट है, जो चीज़ें आप देखेंगे इतनी कम उम्र में जितनी बातें वो बोलता है तो ये गॉड गिफ्ट है, प्रकृति की देन है, ठीक है ना। उस बच्चे को जो आप सवाल पूछोगे, एक बच्चे रहते हैं किसी का माइंड जो रहता है पढ़ने की तरफ लगता है, किसी का राजनीति की तरफ जाता है, किसी का और कहीं जाता है। पढ़ाइयों में अगर पढ़ने की शिक्षा में जाएंगे तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो वो अपनी अपनी एक प्रतिभा होती है, उसकी प्रतिभा उसने वहाँ ढूंढी हुई है। लेकिन हाँ, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होता है, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। शिक्षा से ही देश का विकास संभव है, क्षेत्र का विकास संभव है, परिवार का विकास संभव है। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने अभी 5 दिन पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें उन्होंने ये बयान दिया कि बिजावर में गली गली में शराब बिकती है, महिलाएं शराब बेचती हैं, और वर्तमान विधायक ने बिजावर क्षेत्र को बैंकॉक बना दिया है, कितना सहमत? देखो जो गली गली में शराब बिकने वाली बात है ये बिल्कुल सच है, जनता का मुद्दा है, लेकिन बिजावर को बैंकॉक वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बैंकॉक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बिजावर हमारा एक जटाशंकर भगवान शिव जी का पवित्र धाम है, तो ये देवनगरी है, इसका जो पहचान है वो देवनगरी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बोलने वाले हैं उनका खुद का ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कहीं टीकमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, कहीं पन्ना से लड़ते हैं, तैयारी बड़ा मलेरा से करते हैं, पैराशूट प्रत्याशी यहाँ आ जाते हैं, तो उनका खुद का ठिकाना नहीं है। जो आपने एक शब्द बोला था, उनका खुद का ठिकाना नहीं है। और दूसरे जो विधायक हैं उन्होंने खुद का विकास किया है, उन्हें जनता के विकास से मतलब नहीं है, क्योंकि आप अवैध दुकानदारों की एक हैं तो 10 जगह बिक रहा है, क्योंकि वो उसमें उनके खुद के ठेके हैं, खुद पार्टनर हैं। तो दारू के मामले की बात सही है, और ये जनता में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वैसे ही हमारा मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें बिजावर विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, तो अगर घर हर आदमी दारू पी के घूमेगा तो क्या क्षेत्र का विकास होगा? तो सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये साधन होने चाहिए यहाँ पर,
न कि दारू की दुकानें गांव गांव खोलनी चाहिए, न कि बालू माफिया यहाँ पर रहने चाहिए। एक जनता का सेवक होना चाहिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो क्षेत्र का विकास कर सकता है, और उसके लिए मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है और मैंने संकल्प आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं जीवन भर रहकर यहाँ पर सेवा करूँगा। इसी बात को लेकर जो वर्तमान विधायक हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा वो भी बाहर से हैं, और समाजवादी पार्टी की भी प्रत्याशी हैं वो भी बाहर से हैं। तो एक बार फिर से जो एक मुद्दा उन्होंने उस दौरान उठाया था जब वो खुद समाजवादी पार्टी में थे और भावनात्मक रूप से उन्होंने बड़ी वोटों से चुनाव जीता था, तो ये मुद्दा बार बार आपके लिए भी क्यों उठ रहा है? क्योंकि आपने कहा कि पिछले एक साल से हैं, तो क्या सिर्फ एक साल रहने भर से जनता से रूबरू हो गए, क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो गए, लोगों को कैसे बताएंगे कि आप जो है यहीं के हैं और यहीं पर रहकर आपको काम करना है या काम किया है? बिजावर विधानसभा में आज तक जो लोग विधायक रहे हैं वो कहाँ के रहे हैं आप बताएं? या क्या इनके भाई बड़ा मलेरा लड़ने गए थे चुनाव? जो वर्तमान विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं, बी डी शर्मा कहाँ से हैं? मोदी जी कहाँ से हैं? आदमी के अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, भारी और भीतरी कुछ नहीं होता है। बिजावर की जनता ने एक नारा बनाया है, हमें लोकल नहीं ओरिजिनल चाहने, दल बदलू नहीं चाहने, यहाँ की जो भाषा है अपनी उसमें सबने एक नारा बनाया हुआ है कि हमें लोकल नहीं ओरिजिनल चाहने, हमें दल बदलू नहीं चाहने। तो ये जनता इसके लिए तैयार है जवाब देने के लिए, और जो दोनों ही प्रत्याशी जिनका आप नाम ले रहे हो वो दोनों ही दल बदलू हैं। 2013 में सपा से लड़े थे कांग्रेस वाले प्रत्याशी, 18 में बसपा से लड़े थे, ठीक है ना, और सीटें भी चेंज की हैं उन्होंने। मैं तो स्थायी तौर पे आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं यहीं का एक वासी हो गया हूँ, मैंने सब कुछ यहाँ पर अपना बना लिया है और आजीवन सेवा करूँगा जो भी जनता का आशीर्वाद होगा। बिजावर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा इलाका जो है वो आदिवासियों से रिलेट करता है, किशनगढ़ तरफ अगर हम चले जाएं, और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास काम नहीं है, पलायन लगातार जारी है, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इनको लेकर क्या एक जो एक ठोस जो आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार इनका विकास कैसे किया जाए? क्योंकि पिछले बार जितने लोग भी आए, इतने सारे चुनाव हुए, सब सामने आए और सभी ने वादे किए, उनको अभी तक पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की सोच क्या है, डॉक्टर मनोज यादव की सोच क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जो जनता के हित के लिए है। मेरे भी सोच यही है कि आज नल जल योजना बहुत पुरानी है, आज देखेंगे तो काफ़ी जगह विकास हुआ है नल जल योजना का, लेकिन बिजावर विधानसभा में आज भी अछूती है। मैं गांव में जा जा कर संपर्क कर रहा हूं तो देख रहा हूं लोग दो दो तीन तीन किलोमीटर से पानी लेके आते हैं और साइकिल पर रख के लेके आते हैं, आज भी लाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले लोगों के लिए जल की व्यवस्था होनी चाहिए, नल जल योजना है, हर घर में नल होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में ही आप अगर देखेंगे तो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होगी, उसकी योजना है, मुद्दे हैं, उसकी योजना है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। बिजावर विधानसभा एक प्रकृति का भंडार है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, किसी भी आ जाएंगे, एक दूध का बड़ा एक उद्योग धंधा लग सकता है, आप देखेंगे तो प्रकृति के रूप से यहाँ पे खनिज संपदा सब कुछ है, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। आज लोग उद्योगपति जो भी हैं वो भी कहीं भी उद्योग धंधा डालने के लिए तैयार होते हैं, अगर आप देखेंगे तो, अगर कोई उनको ऑफर करता है कहीं भी आप देखेंगे तो उन्हें लगता है कि उनके लिए सुटेबल जगह है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत छोटी चीज़ें हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था करना, शिक्षक की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, ठीक है ना, आप इसको पर्यटन नगरी जो हमारा है जटा शंकर धाम, इसको डेवलप करेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप देखिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इन्वेस्टर्स समिट की थी, बड़े तमाम लोगों को बुलाया गया था, तो इस क्षेत्र में जैसा कि आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि बिजावर विधानसभा प्राकृतिक संसाधन का अकूत खजाना है, हीरे भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं, तमाम तरह के रॉक्स हैं, क्यों नहीं आ पाई ये विकास योजनाएं, क्यों नहीं आ पाई, और समाजवादी पार्टी कैसे लेकर आएगी, डॉक्टर मनोज यादव कैसे लेकर आएंगे? देखो भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री घोषणा वीर है हमारे, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है,
तो वो तो आप दिल्ली की मीट देख लीजिए, G20 सम्मेलन देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, आज तक सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम पे देखिए, उनके टाइम पे जो इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें इन्वेस्टमेंट यूपी में कितना आया है आप देख लीजिए उन चीजों को उठा के, और जमीन पे दिखाया है वो। ये लोग घोषणा करते हैं, एमओयू साइन, केवल घोषणाएं होती हैं, कितने एमओयू साइन हुए हैं आप चेक करा लीजिए, ठीक है ना। तो ये घोषणा भीर हैं, लेकिन जब लोगों को लगेगा उन्हें भरोसा करना पड़ता है, किसको, जो इन्वेस्ट करने आते हैं इन्वेस्टर लोग, तो उनको भरोसा चाहिए कि हाँ ये कह रहे हैं तो हमें सुविधा भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी का एक उदाहरण देते थे कि पहले कोई एक बड़ी कंपनी थी, उसने एक प्रोजेक्ट लिया यूपी में, तो उनको इतना उलझा दिया कि वो प्रोजेक्ट ही उन्होंने डिले कर दिया, इतने डर गए वो लोग, जितनी उसकी लागत आने वाली थी जो प्रोजेक्ट था, यूपी की बात कर रहे हैं, उतना उतना उनसे परमिशन के नाम पे, उनके नाम पे घूस लोग मांगने लगते हैं। लेकिन जब मेरी सरकार आई, वो व्यक्ति मिलने आया तो वो डरा हुआ था, मैंने कहा कि आपने प्रोजेक्ट लिया क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कि मैं आपको परमिशन है, ये सर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये आपका परमिशन आपका काम ही नहीं है, सरकार बैठी हुई ना ऐसे करने के लिए। मैंने उनको फैसिलिटी दी, उन्होंने एक साल के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया, एक साल के अंदर केवल। तो इसलिए करने की इच्छा है, और जो इन्वेस्टर है उसको भरोसा होना चाहिए। आप चाहे छोटी दुकान खोलें, कुछ भी करें, एक छोटा एग्जाम्पल ले लें कि आपको भरोसा नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्ट करेगा। मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में तमाम चीज़ें जिनको हम फ्रीबीज भी कहते हैं, लाडली बहना योजना जिसके लिए 1,000-1,200 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर की बात हो गई कि उन महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, तमाम चीज़ें ये हुई हैं, क्या इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा और वापस भाजपा सरकार जो बात आ रही कि ये तमाम चीज़ें जी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक बार फिर से रुझान भाजपा की तरफ गया है? नहीं, ये तो जनता समझ चुकी है और जनता उन्हें हट बदलने के लिए तैयार बैठी हुई है। गरीब जनता के लिए 1,000-1,200 रुपये और 500 रुपये का सिलेंडर जो है मिलना, ये एक बड़ी बात होती है, तो इससे कैसे डाइवर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। ये तो महिलाओं के सम्मान के लिए उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जेब से दे रहे हों या बाकी जेब से दे रहे हों तो समझ में आती हैं चीज़ें। जो सरकार आएगी वो उनके सम्मान के लिए करेगी, ये हमारा पक्के वादे का वचन पत्र है। इसमें भी महिलाओं के लिए जो है ना अलग से हम लोग कह रहे हैं कि 3,000 रुपये उन्हें मिलने चाहिए पेंशन के तौर पर, जो हमारी महिलाएं 3,000 रुपये मिलने चाहिए पेंशन के तौर पर। तो बाकी जो चीज़ें हैं ये उनका हक है, जो सभी लोग आज की डेट में देखोगे तो टैक्स पे करते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आती हैं, कोई अपनी जेब से नहीं देता है। जो सरकार आएगी वो उनको देगी, लेकिन जनता समझ चुकी है कि जी महंगाई कितनी बढ़ा दी। आप देखेंगे आज कच्चे तेल के रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन आप डीजल पेट्रोल को देखेंगे तो आपका 58 रुपये से लेकर 120 रुपये तक पहुँच चुका है। तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है, मध्य प्रदेश पे जो कर्जा बढ़ा है, ये फालतू की चीज़ों में खर्च किया जा रहा है, कहीं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के लिए, कहीं प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के लिए, कहीं प्रचार प्रसार में जितना खर्च हुआ है, आज चाहे देश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, आज तक किसी सरकार ने इतना फालतू में पैसा खर्च नहीं किया है। तो इन्होंने जनता के इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ खुद के पॉपुलरिटी होनी चाहिए। तो जब जब ये सारी चीज़ें बचेंगी, आप देखेंगे यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं वो एक सिर्फ जनता को खरीदना चाहते हैं पैसे की दम पे, उससे नहीं, जनता के लिए उनके हित के बारे में 75 साल में आप सोचिए, मूल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, वो नहीं हो पाई हैं तो क्या करेंगे ये लोग। तो जनता को मूलभूत सुविधाएं भी अगर सरकार नहीं दे पाई तो आखिरकार कैसे काम चलेगा, ये कहना है डॉक्टर मनोज यादव का, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, बिजावर विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो पूरे 5 साल यहीं पर रहकर क्षेत्र के विकास के लिए वो काम करेंगे।